कहते हैं पौराणिक काल में समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को ग्रहण कर भगवान भोलेनाथ ने संसार को नया जीवन दिया और नीलकंठ महादेव के नाम से विख्यात हुए। इसके अलावा कई ऐसे मौके भी आए जब महादेव ने सारी विपदा अपने ऊपर लेकर अपने भक्तों की रक्षा की। अब ताजा मामला वैशाली जिला के लालगंज से है, जहां रेपुरा स्थित अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर के गुंबज पर वज्रपात होने से गुंबज पर लगा त्रिशूल और कलश क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है, हर दिन की तरह आज भी वहां पूजा पाठ की गई। साथ ही वज्रपात की विपदा से सुरक्षित रखने की बात कहते हुए लोग और अधिक भक्तिभाव से पूजा करने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और ग्रामीण ऐसा मानते हैं। इस घटना के बाद से भगवान भोलेनाथ से लोगों की आस्था और भी अधिक जुड़ गई है। मानसून का आगाज हो चुका है और बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बीती रात करीब 9 बजे मंदिर के गुंबज पर ठनका गिरा था, जिसे भोलेनाथ ने अपने ऊपर लेकर पूरे गांव को बचा लिया। इस घटना की खबर फैलते ही अगले सुबह से ही मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ भी जुटने लगी। आइए सुनते हैं प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा। बड़ा जोर से चमक के चमकला के बाद में केदा आग लेकिन उठ के केदा ठनकली बहुत जोर से। अच्छा। ठनकला के बाद में केदा सब चमके लगले हाय लगले केदार आग उठ गए। एक बाद में बाबा आल तो सब टॉर्च बार का लोग देखल के था तो ऊपर के मट्टी निकल गया। मतलब मंदिर के गुंबज पे ठनका गया। अनहार एकदम अनहार हो गया। तो क्या लग रहा है, क्या मान रहे हैं आप लोग इसको? हाँ, बचा लिए पूरा लोग, भगवान सबको बचा लिए। हम सब बैठे रहिए आप लोग के सामने में ये घटना। हाँ, सामने में एकदम हम सब डरा गए, एकदम बिजली की तरह चमक आग ऊपर। ये बिजली पहले कट गया, बारिश हो रहा था, कस के ठनका ठनका एकदम आग के तरह मैंने गिरा, मैंने मंदिर के ऊपर टकरा के गिर गया। वह ऊपर में ही है जो गुफा के टूटा है, नीचे से कुछ नहीं हुआ है। आपको ठनका ठनका ना तो इसी मंदिर के शंकर भगवान के ऊपर गिर गया मैंने, और टूट भी गया है। पूरे गाँव के शंकर भगवान बता दिए, अपने पर ले लिए ऊपर में। कब की घटना है ये? ये 8:30 बजे रात के। नहीं, अलग तक कहीं कुछ नहीं हुआ, शंकर भगवान अपने पर ले लिए, पूरा गांव के बचा दिए। भगवान में शक्ति है तब ना भगवान बचा लिए पूरे गांव के।